आज हम कारिया धाम आ चुके हैं, सॉरी मिसर धाम आ चुके हैं, और मिसर धाम अच्छा लग रहा है। तो हम लोग यहाँ पे योर फर्स्ट टाइम एक्चुअली? यस, मैं पहली बार यहाँ पे आया हूँ। मैं बेसिकली मनफरा बचाव से हूँ, और मेरा भाई यहाँ मिसर धाम से और बचाव से है। इस हम लोग को ब्लॉग करने का कोशिश कर रहा हूँ मैं, बट अपडेट तो दिया ही नहीं। हम सुबह 7 बजे पहुँच गए थे, अभी बज रहे 9:30। यस, ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ हो गया है। ब्रेकफास्ट का मॉन्टेज शायद दाल भी दिया होगा, या तो पिछड़ा लेंगे, कुछ भी होगा देखा जाएगा। ट्रेन के एक्चुअली ट्रेन से उतरे थे तब बहुत केओस था, इसीलिए ज़्यादा तभी शूट वूट किया नहीं। एंड हाँ, एक्चुअली केओस था, एक्शन कैम लगा दिया था मैंने, थोड़ा टाइम लैप्स वगैरह वो सब कुछ ऐड किया है मैंने। गाँव तो लग ही नहीं रहा है, शहर ही बन गया। देखा अरवन भाई पीछे, कौन बोलता है यहाँ पे सिर्फ स्प्लेंडर है? कौन बोलता है यहाँ पे? आई सो अपाचेस, यहाँ पे आई सो फेजर्स, यहाँ पे आई सो R15, ये देखो RC, सब कुछ है यहाँ। अभी फिलहाल तो मेरा 5 दिन का साथी ये है, पाँच दिन यहाँ पे, 5 दिन इसके गांव में। हम मज़े करने के लिए आए हैं। हाँ, बाकी तो गांव के शॉर्ट्स तुम देखोगे ना यार, और ये इतने दिन का, ये इतने सारे व्लॉग्स होने वाले ना, क्या बताऊँ मैं, कितने एपिसोड्स होंगे, क्या होगा कुछ नहीं पता। टुडे गैलरी भी है, टुडे इज day 1 ऑफ आवर ट्रिप। 10-11 दिन है हम लोग यहाँ पर, इतना सब कुछ करने वाले, इतना सब कुछ। 2 हार्ड ड्राइव लेकर आए हो, 4 पेन ड्राइव लेकर आए हो, इतना डेटा भरने वाला हो, क्या पता क्या। सो हम लोग का लॉलवा हो गया, हम लोग कहीं पर जा रहे थे, एंड वो हाईवे से, ऑब्वियसली वो हाईवे मेन हाईवे पे ही है, बट थोड़ा भटक गए हम, भूले भटके। बाय द वे, आई लाइक केसी नेस्टैट का गॉगल्स, मैं सोच रहा हूँ इसको भी वैसे ही करूँ। हाँ युग, केसी नेस्टैट ना, तू ये गॉगल्स जो है जो केसी नेस्टैट, ओ भाई वो वाइट वाइट सब कुछ करता है, पता है वो वाइट स्प्रे पेंट करता है, फिर उसको वो कैंडी का स्टिक होता है उससे वो निकालता है। इट टोटली मेक्स लाइक हिज थिंग, लाइक उसके अलावा और कोई नहीं करता, और वो वन ऑफ अ काइंड हो जाता है वो एक्चुअली। सो अभी जो लॉलवा हो गया हमारा, उसके साथ हम लोग वहाँ पे चले गए थे, अभी यहाँ पे जा रहे हैं। सो ऑटो कर लिया, उसमें समझदारी है, एंड वही बेस्ट है, चीपेस्ट वे, एंड गो फास्ट। तो जिस चीज तुम देखोगे ना, अगर अरे हाय देखो, ब्लॉगिंग searching for a longer day. People feeling like the light has just come. We must never stop the way. Yeah. Birds jumping and I hear my name. Grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. ओके, दैट वॉज माई हाउस। हमें कोई यहाँ आता नहीं, एटले पछी आ सेल आउट करने को, पछी नवा एमा जे छे त्यां लई लीधुं। एंड दिस इज द क्यूट लिटल, अरे अरे अरे, टोपी लेके भाग गया, टोपी चोर। सो या, दैट वॉज आवर हाउस।
वो ग्राउंड प्लस टू फ्लोर्स है और 3, 4, 5 पता नहीं कितना BHK है, वट एवर इट इज़, हम लोग यूज़ नहीं करते। दिस इज़ द गार्डन, ये शॉपिंग सेंटर, और यहाँ पे ऊपर स्मॉल रूम्स है, बट या दिस इज़ द सिटिंग एरिया। यहाँ पर, यहाँ पर दिस इज़ द स्टेज, यहाँ पे सब फंक्शंस वगैरह, छोटे डांस कार्यक्रम वगैरह, ऑल दैट, बट यही है। दिस इज़ द सेंटर ऑफ द प्रोजेक्ट। एंड यहाँ पे वेयर इज़ द वाटर टैंक, मैं वहाँ पे ऊपर चढ़ के पता नहीं मैंने बहुत कुछ कार्यक्रम किया है व्हेन एवरीथिंग वाज अंडर कंस्ट्रक्शन। Such a beautiful sky, so beautiful, and सबसे important wires are so much important, क्या बताओ तुमको, टकरा जाता अभी तेरे से बेटा, I was talking to the dog, but these wires, they are so much very important, so very much important, उसके बिना sky नहीं लगता, अधूरा लगता है, and with these wires इट फील्स कि आप पूरा हुआ इसका है, लाइक योर, ये है मुंबई वाइब, वायर्स ना होना तो मुंबई की वाइब्स नहीं लगती। एंड फिलहाल हम जा रहे हैं चाय ढूंढने। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल स्काइज, ये जो यहाँ पे इतने सारे सब जा रहे हैं। सो दिस इज माई एक्चुअली पर्सनल थिंग मोर ऑफ लेस, कि मैं जब इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डालता हूँ उस ब्यूटिफुल स्काई का, तो ये जो वायर्स होते हैं ना, ये जो सब वायर्स, ये सब बहुत नेसेसरी है, वो आना ही चाहिए, क्यों? तो ही वो वाइब लगता है कि हाँ स्काई है, मुंबई स्काई, तो ये बिना ये वायर्स के ना वो मुंबई वाइब्स नहीं आती, और ये सेमी रूरल सेमी डेवलप्ड है ये चीज, सो ये वायर्स आर वेरी मच इम्पोर्टेंट। मार्केट में कुछ तो ढूंढ रहे हम लोग, मेरे को नहीं पता क्या चीज बोलते हो, मटके के ऊपर रखने वाला चीज़, 1.5 घंटा हो गया ढूंढ रहे, सोचा था गाँव आके ना 5 किलो वजन बढ़ जाएगा, यहाँ पे तो 4 किलो कम हो गया। दिस इज, आई स्टिल डोंट नो व्हाट द यूज ऑफ दिस, बट हाँ चाहिए। और बात हमें जो जो है तो 4 किलो वजन घटी गया, आओ ये जो हमें खावा जो ही अभी खोड़ा हो जाता हमें। Life is happy but it's so insane, we must merely make a start. After some successful meal, कुछ बहुत कुछ खाने के बाद कुछ एनर्जी लूज करना था हम लोग को, एंड वी फाउंड हिम। ये बोलते ना बच्चे भगवान का रूप होते हैं, बहुत सही बोलते हैं भगवान, मतलब लोग बहुत सही बोलते हैं। हम लोग सोच रहे राउंड टू रावेली खाने जाना है, तो अभी ये एनर्जी हम लोग का लूज़ करवा रहा है, थोड़ा पेट पेट में थोड़ा जगह बनवा रहा है। एंड आई मेड माय न्यू फ्रेंड, का नाम यश और इसकी सिस्टर, एक्चुअली इसकी सिस्टर पहले मेरी फ्रेंड बनी, फिर ये बना सिस्टर जी सवारी से आते रहूँगी, बहुत शर्माए थे। सो बट या एनर्जी लॉस अच्छा हो रहा है, आज राउंड टू वापस खाने के लिए हम लोग जाने वाले हैं, तू खाइए। और इसको रील्स बनाना था, मैंने वो प्लान स्टॉप कर दिया। Savannah, I'm coming home.
Savannah.